बैरून मुल्क से तलीमी याफ्ता पाकिस्तान में प्रैक्टिस के ख्वाहिशमंद डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क से तलीमी याफ्ता तालबे इल्म को पाकिस्तान में प्रैक्टिस की इजाजत दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा। बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता पाकिस्तान में प्रैक्टिस के ख्वाहिशमंद डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाहौर हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता तालबे इल्म को पाकिस्तान में प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी है। आपको अपडेट करते चले, बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता पाकिस्तान में प्रैक्टिस के ख्वाहिशमंद जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है ये। लाहौर हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता तालबे इल्मों को पाकिस्तान में प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन तफसीलात से। बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता पाकिस्तान में प्रैक्टिस के ख्वाहिशमंद डॉक्टर्स के लिए बड़ी खबरी है। हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता तालबे इल्म को प्रैक्टिस की इजाजत दे दी है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 26 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 26 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले में ये कहा गया है की बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने वाले डॉक्टरों के लिए पाकिस्तान में जो उन पर पाबंदी लगाई गई थी और पीएमडीसी जो उनको एनओसी जारी नहीं कर रहा था वो अहकाम खत्म करार दे दिए हैं और उन डॉक्टरों को प्रैक्टिस की इजाजत दे दी है। इस मामले पर अदालत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के जो रेगुलेशन थे 48, 60 और 15 उनको भी कलदम करार दे दिया है और डॉक्टर्स को ये अहकाम जारी किए हैं कि वो पाकिस्तान में अब आसानी जो है वो अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका।